लगभग 2 सप्ताह की वार्षिक रिपेयर के बाद विश्वविख्यात शक्ति पीठ श्री नैना देवी में रज्जू मार्ग रोपवे सेवा श्रद्धालुओं की सुविधार्थ फिर से शुरू हो गई। हालांकि एनुअल रिपेयर के चलते माता जी की मंदिर को जाने वाली रज्जू मार्ग रोपवे सेवा पिछले लगभग 15 दिनों से बंद थी, जिसे रिपेयर के बाद विधिवत रूप से शुरू कर दिया गया है और श्रद्धालु एवं पर्यटकों ने राहत की सांस ली है, जिसकी देखरेख के लिए कंपनी के GM इंजीनियर एस चौधरी भी मौजूद रहे। रोपवे के प्रतिनिधि RR श्रीवास्तव ने पत्रकारों को बताया कि रज्जू मार्ग सेवा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु कार्यरत है और यह सेवा पिछले कई वर्षों से श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि रोपवे रज्जू मार्ग की रिपेयर का कार्य वार्षिक रूप से किया जाता है और पिछले कुछ दिनों से यह कार्य चल रहा था, जिस कारण लगभग 2 सप्ताह तक श्रद्धालु पर्यटकों को इसका सुविधा लाभ का नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि कंपनी ने विधिवत रूप से रिपेयर का कार्य पूर्ण कर लिया है और अब यह पूरी तरह से श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु चालू कर दी गई है। इस मौके पर पटना बिहार से आए श्रद्धालुओं ने भी रोपवे सेवा का बारे में बताया कि और कहा कि बहुत ही रोमांच से भरपूर सेवा है और श्रद्धालुओं को प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा देखने को मिला है। जी मेंटेनेंस चल रही थी जी, काफ़ी दिन मेंटेनेंस चली, 11-12 दिन यात्रियों वास्ते सुविधा वास्ते बिच अं मेंटेनेंस करते रहने हैं, जिदा प्रॉपर उन्होंने कोई परेशानी ना आए, ऐ करके उन्होंने सुविधा वास्ते बिच जिदा रिपेयर करते रहेंगे लगातार, ऐ करके हम सही हो गया, रोपवे चालू हो गया जी। कल तो से आए हैं बिहार से, रोपवे देख के बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया व्यवस्था है और इस तरह का हर जगह होना चाहिए, बहुत बढ़िया प्राकृतिक देन है, अच्छा वातावरण है, सब चीज़ शुद्ध है, साफ सुथरा बहुत बढ़िया है। माता के नैना देवी की जय। नैना देवी की जय। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए श्री नैना देवी जी से गौतम की रिपोर्ट।